बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज एक ऐसी रेसिपी लेके आपके पास आई हूँ कि जो मेरे हस्बैंड की फेवरेट रेसिपी है, और आज मैं ये उनके लिए इसलिए बना रही हूँ कि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं उनकी पसंद का खाना बनाऊँगी। और कुछ और चीज़ें भी मैंने तैयार की हैं, तो यह है कि खाना की जो फाइनल लुक होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत यूनिक सी डिश है और इसका नाम है बादाम गोश्त। तो आए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये 1 किलो मटन है मेरे पास, और ये 1 कप पानी है जो मैं गोश्त गलाने के लिए यूज़ करूँगी, और 3/4 कप ऑयल, 1 कप बादाम के, ये आप आधा कप भी ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून ये जो है ग्रीन वाले रेजन है, तो इसके लिए यही वाले चाहिए कि जो थोड़े से तुर्श, थोड़े से मीठे और थोड़े से सख्त हों। ये 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, सुरख मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी का है, 1 टेबलस्पून लहसुन का, और 1 छोटा सा प्याज, और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। और इसमें देखिए, मैं सबसे पहले ऑयल डाल के इसको गर्म करूँगी। ऑयल मेरा गरम हो गया है, अब इसमें मैं सबसे पहले प्याज डाल के इसको सौते करूंगी। और ये जब थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा फिर इसमें बाकी की चीजें डालती हूँ। प्याज मेरा हल्का सा कलर पकड़ लिया है, और इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल रही हूँ, और साथ ही ये नमक मिर्च हल्दी जो भी था वो सब डाल रही हूँ। और ये मैंने अपनी इसी मसाले वाली प्लेट में वो जो 1 कप पानी था गोश्त गलाने के लिए वो डाल दिया है। और मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ गोश्त में कभी भी पानी ज़्यादा ना डालें, उसका सारा जायका ख़त्म हो जाता है, और क्योंकि गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना होता है। और ये बहुत अच्छे से आप चूल्हे को एडजस्ट कर लें कि जैसे आप उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके आप उसको, अगर ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है मटन थोड़ा सा सख्त होता है और वो गलने में समटाइम 2 घंटे भी ले लेता है। तो ये है कि आंच हल्की कर दें और उसको हल्की आंच पर पकने दें, और एवरी 30 मिनट के बाद उसको खोल के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको कितना टाइम लगेगा, लेकिन इसमें पानी प्लीज़ ज़्यादा मत डालें। अब ये जो मैंने मसाला और सब चीज़ें डाल दी थी, अब इसमें मैं गोश्त डाल रही हूँ। अब इसको मैं पकने के लिए रखती हूँ, और फिर मैं इसको तकरीबन 30-40 मिनट के बाद चेक करके फिर मैं आपको बताती हूँ। वे बस मिक्स कर दिया मैंने, अब इसको मैं हल्की आंच पे रख रही हूँ। गोश्त जो है मेरा वो 80% गल चुका है, तो अब मैं इसमें टमाटर डाल के, क्योंकि पानी खुश्क हो गया इसका, तो अब मैं इसमें टमाटर डाल के इसको अच्छा सा भूनूंगी, और जो बाकी का 20% है वो भूनने में, और इसके बाद जब पानी डालूंगी तो फिर उसमें ये टोटली गल जाएगा अंदर तक। और ये मैं टमाटर इसमें डाल रही हूँ, ये मेरा फ्रीज हुआ हुआ टमाटर था, इसका मैंने छिलका उतार के तो वो मैंने इसको डाल दिया। इसको जो है टमाटरों को अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए, भून जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये गोश्त मेरा जो है ये भून चुका है, टमाटर अच्छे से मसाले में मिक्स हो गया है। और मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आप जब भी आम तौर पर भी कोई भी सालन आप बनाएं, तो आप टमाटर जो है ना वो हमेशा गोश्त भूनते हुए डालें, उससे हंडिया का जो जायका है, सालन का जायका, वो बहुत यूनिक और बहुत मज़े का होता है। अब ये भून चुका है, इसमें तकरीबन मैं 1.5 कप पानी का डाल रही हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना चाहें, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का हल्का सा रस वाला अच्छा लगता है। और ये पानी के साथ मैंने डाल दिया इसको, और अब मैं इसमें ये बादाम भी डाल रही हूँ जो मैंने पहले से भिगो के छील के रखे हुए थे। इसको मैं मिक्स करती हूँ, ये देखिए इतनी ये कंसिस्टेंसी है इसकी, और ये अभी जो है 10 से 15 मिनट ये पकेगा। और ये जो रेजन है ये आपने बिल्कुल चूल्हा बंद करके फिर इसमें डालने हैं, इनको कुक नहीं करना।
ये थी मेरी आज की रेसिपी बादाम गोश्त, जो मैंने स्पेशल अपने हस्बैंड के लिए तैयार की है। और ये मैंने सारी उनकी पसंद की चीज़ें आज बनाई हैं, और ये मेरी तरफ से मैं उनको दूंगी। जितने इन फूलों में रंग है उससे ज़्यादा उन्होंने मेरी ज़िंदगी में भरे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, सब अल्लाह की अमान में रहें, अल्लाह हाफ़िज़।